हेलो भाइयों और बहनों, मैं अंकित आया हूँ आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज होने वाली इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स, सेंग्स या फिर हम हिंदी में कहें कहावतों को लेकर के। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी ऐसी कहावतें हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और आपको पता ही होना चाहिए। तो गाइस, जो पहली है उनमें है ओनली द वियरर नोस वेयर द शू पिंचेस। इसका मीनिंग है केवल बीतने वाले को ही पता लगता है, बाकियों को नहीं पता लगता है। जिस पे कुछ भी बीतती है उसी को ही पता लगता है। आपको ये अपने आप ही वर्डिंग ही बता देगी, ओनली द वियरर नोस, पहनने वाले को ही पता लगता है विद द शू पिंचेस, की जो शू है वो पिंच का करता है। तो इसी कंडीशन में हम गाइस इसको यूज कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा। मैं एक जगह मैरिज में गया, तो वहां मैरिज में क्या हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने थोड़ा वेट किया, लेकिन वेट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो एक ना गोलगप्पे की स्टॉल था, तो मैंने सोचा गोलगप्पे खाना ट्राई किया जाए। वहां पे रश खत्म हो चुका था, तो मैं गया तो वहां मुझे पता लगा कि रश इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि गोलगप्पे ही खत्म हो गए थे। अब हंसने वाली बात नहीं, अभी बीतने वाले को ही पता लगता है जो उसका दर्द होता है। तो इसी कंडीशन में गाइस यू कैन यूज ओनली द वियर नोस वियर द शू पिंचेस। हम पहुंचते अपने सेकंड वाले में, और सेकंड हमारे पास जो प्रोवर्ब है वो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मेरी यही गलती थी कि मैंने बहुत देर तक वेट किया, लेकिन गाइस बात तो सच यही है ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। और इंग्लिश में कह रहा हूं, कह सकते हैं हम लोग टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। लेकिन फिर एंड में मैंने एक ही चीज सोची कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। रिपीट करते हैं एक बार, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। ये गाइस जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। कई लोग सोचते हैं बहुत बुरा हुआ, नहीं, क्योंकि मुझे पता लगा कि उस दिन स्टॉल के अलावा खाने में भी बहुत जबरदस्त चीजें बनी हुई थी, तो आई एंजॉयड देयर अ लॉट। हाँ, लेकिन उस वक्त पे मुझे रिग्रेट जरूर हुआ था, थोड़ा सा पछतावा जरूर हुआ था। लेकिन फिर वो कहावत है ना कि भी अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे कुछ होता है, यानी अब पछताने का फायदा ही क्या है। इंग्लिश में कह रहा हूं, कह सकते हो आप इट्स नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहाँ पे स्पिल्ट भी आ सकता है, स्पिल्ट भी आ सकता है, क्योंकि स्पिल की थर्ड फॉर्म होती है स्पिल्ट या फिर स्पिल्ट, दोनों ही होती है। तो गाइस इसके लिए आप यूज कर सकते हो, पछताने का आप कोई फायदा नहीं है। तो कह सकते हो इट्स नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट या फिर स्पिल्ट मिल्क। इन दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से जो मर्जी यूज कीजिए। वो जो शादी थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। इनफैक्ट एक कहावत एंड में मैं आपको यही कहूंगा गाइस कि गुलाब के साथ हमेशा कांटे तो आते ही है। कहने का मतलब है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना ही कोई शादी ना ही कोई इंसान। जब भी आपको गुलाब मिलता है उसके साथ कुछ ना कुछ कांटे भी जरूर आएंगे आपके पास। तो गाइस कह सकते हैं एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, हर रोज के पास कुछ कांटे होते हैं, ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो गाइस उम्मीद कर दो कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से सेंग्स लगे हो गए जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसको जल्दी से डेली यूज कीजिए, आपको बहुत एंजॉय आने वाला है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट।